हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साथी और आज हम जाने वाले एलिफेंट केव के बहुत ही बेहतरीन से सफर में। इन दिस वीडियो विल शेयर आवर ऑल एक्सपीरियंस विथ यू और उसके साथ भी आप यहाँ पे कैसे जा सकते हो या कितना खर्चा पड़ सकते हैं और घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो में दे देंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए पूरा देखिएगा। सुबह सुबह हम पहुँच गए गेट ऑफ इंडिया के सामने। यहाँ पे सुबह का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसके साथ ही ये पंछियाँ एक साथ इस नज़ारे को और भी ज़्यादा प्यारा बना रहा है। और आप यहाँ पे चाहते हो तो इस पंछियों को खाना भी खिला सकते हो। तो बिना देरी के अभी हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के मेन लोकेशन की तरफ, जो है एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव जाने के लिए हर रोज गेटवे ऑफ इंडिया के सामने से फेरी छोड़ा जाता है जो सुबह 9 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाता है। पर हेड फेरी का टिकट पड़ता है 260 रुपीज, इसमें अप डाउन दोनों इंक्लूडेड है। टिकट लेने के बाद अभी हम चलते हैं फेरी की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हम लोग का बोट भी आ चुका है और ये बोट पूरा वुडन का बना था जो दूसरों से थोड़ा सा अलग था और इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। बोट पे चढ़ते ही हम सीधा चले गए ऊपर डेक की तरफ, जिसके लिए हम लोग से 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज भी किया गया है। लेकिन यार, इस डेक के ऊपर से व्यू कितना सही आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 घंटे सफर के बाद अभी हम आ गए एलिफेंटा आइलैंड पे। यहाँ से हम लोग को चल के एलिफेंटा केव की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको चलना पसंद नहीं है तो यहाँ पे एक छोटा टॉय ट्रेन भी है जो आपको एलिफेंटा केव की सीढ़ी के सामने तक आपको छोड़ के आएगा और इसका प्राइस है सिर्फ 15 रुपए। और इसके बाद आपको एलिफेंटा केव के सामने 5 रुपए का टोल टैक्स एंड एंट्री फी 40 रुपए का लगेगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 330 रुपीज में आप पूरा एलिफेंटा केव घूम सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी हम देख पा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे शोपीस, फूड स्टॉल और तरह तरह की चीजें बेचा जा रहा है। तो अभी हम पहुंच गए एलिफेंटा केव के गेट पे। यहाँ से अंदर जाते हम लोगों को सबसे पहले एलिफेंटा केव के एक मैप देखने को मिला है। अभी हम चलते हमारे पहले और यहाँ के मेन केव की तरफ। ये सारे केव्स बहुत ही बड़े पहाड़ को काट के बनाया गया है और इस केव में एंटर करते ही हमें शिव जी का एक ध्यानमग्न रूप देखने को मिल गया। इसके अलावा भी इस पूरे केव्स में शिव जी का अलग अलग रूप के मूर्तियां भी बनाई गई है। इस गुफा की खूबसूरती और खासियत के चलते इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। इस आइलैंड के सारे केव्स 1400 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ के सारे मूर्तियाँ हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमें सबसे फेमस जो मूर्तियाँ वो है ये त्रिदेव का मूर्ति जो कर्नाटक के राजा की द्वारा बनाया गया था।
इस गुफा के बीचों बीच एक कक्ष तैयार किया गया है जिसको गर्भगृह कहा जाता है। इस गर्भगृह के बाहर आपको बहुत बड़े बड़े द्वारपाल देखने को मिल जाएगा और इस गर्भगृह के अंदर एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग स्थापित किया गया है जहां आज भी शिवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत केव है। इसके बगल में आपको और एक छोटा केव दिखने को मिल जाएगा जिसके अंदर एक गर्भगृह और शिवलिंग रखा हुआ है और उसके बगल में ही एक बहुत सारे मूर्तियां है और उसके साथ ही एक गणेश जी का भी मूर्ति देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से निकल के 4-5 मिनट चलने के बाद ही हमें और एक केव देखने को मिला लेकिन ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस आइलैंड में कुल मिला के 7 से 10 केव्स बने हुए हैं, लेकिन उसमें से 2-3 केव्स ही देखने लायक बचे हुए हैं। बाकी सारे केव्स पोर्तुगीज द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जिसका चित्र हम पिछले केव्स में भी देख चुके हैं। वहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ टूट गई है। ये पूरा आइलैंड घूमने के लिए आपको 4-5 घंटे लग ही जाएंगे जिसमें से 2 घंटे मुंबई से यहाँ आइलैंड तक आने और जाने में लग जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो जल्द से जल्द इस वीडियो को एक लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में।